Hello guys, welcome back to my channel Education is Development. Today we are going to study about Antony and Cleopatra. It is written by William Shakespeare. Okay, let's start. Mark Antony jo hota hai, one of three rulers hota hai Roman Empire ka. His fellow members hote hain Caesar aur Lepidus. Okay. जो मार्क एंटनी है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इजिप्ट में स्पेंड करता है अलेक्जेंड्रा में और वहाँ पे बहुत ही डिसेंडेंस लाइफ वो जीता है लाइक प्लेजर और लग्जरी भरा क्लियोपेट्रा के साथ अलेक्जेंड्रा में और जो बाकी और सोल्जर्स होते हैं उसके रोमन एम्पायर के वो होते हैं फिलो एंड डेमेट्रियस और जो मार्क एंटनी होता है वो जनरल होता है जब एंटनी के पास एक मैसेज आता है रोमन से कि जो उसकी वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है और जो पोम्पे है यानी उनका जो एनिमी है वो उनके अगेंस्ट रिबेल कर रहा है आर्मी रेज कर रहा है उनसे फाइट करने के लिए तो और उसको ये भी पता चलता है कि जैसे उसकी की वाइफ जो है उसका डेथ हो चुका है तो फिर वो रोम जो है वापस लौटने का फैसला लेता है एंटनी के एब्सेंस में ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक वरी हो जाते हैं कि जो पोम्पे की जो स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज़ हो रही है हम उससे कैसे लड़ेंगे उसके बाद जब एंटनी वापस अपने रोम शहर में वापस आता है तो फिर सीजर है वो उसको लाइक चिल्लाता है डिसअप्रूवल दिखाता है कि तुम अपने स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के तुम डिसेंडेंट लाइफ जी रहे हो क्लियोपेट्रा के साथ इतनी लग्जरी भरा और प्लेजर भरा फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वाइफ का डेथ की न्यूज़ आती है और सेकेंडली एक बैटल लड़ने की जो न्यूज़ आती है तो एंटनी को बहुत ही ज़्यादा लाइक पिंच आउट कर देता है उसके बाद सीजर और एंटनी के बीच में लड़ाई होती है कि तुम्हारा सारा ध्यान उधर है तो फिर जो लेपिडस होता है वो पीस बनाने की कोशिश करता है सब में और वो ये कहता है कि अगर हमें लड़ना है पोम्पे से तो हमें एक यूनियन बनाने की बहुत ज़रूरत है एक साथ जुटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जो बाद में जब सीजर है वो एंटनी के पास एक प्रपोज़ल रखता है कि वो उसकी जो बहन है ऑक्टेविया उसके साथ शादी कर ले ताकि जो उनके रिश्ते हैं उनकी लॉयलिटी है वो सॉलिडिफाई हो सके यानी मजबूत हो सके तो जो एंटनी है वो मान जाता है कि वो ऑक्टेविया से शादी करेगा एंड बार्बस जो एंटनी का क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है वो प्रेडिक्ट करता है कि जो एंटनी है वो आपकी बहन ऑक्टेविया से मैरिज के बाद क्लियोपेट्रा के पास वापस चला जाएगा इन इजिप्ट क्लियोपेट्रा को पता चलता है एंटनी की मैरिज का और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है उसके बाद जो क्लियोपेट्रा है वो अपने एक मैसेंजर को भेजती है पता लगाने के लिए कि उसकी जो वाइफ है वो कैसे दिखती है उसके बाद जब उसका मैसेंजर जो है वापस आता है उसे बताता है कि उसकी जो वाइफ है ऑक्टेविया वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन है और अनइम्प्रेसिव है मतलब कि बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं दिखती और बहुत ही प्लेन दिखती है यानी बहुत ही मतलब कुछ खास नहीं दिखती उसके बाद जो क्लियोपेट्रा है वो कॉन्फिडेंट हो जाती है कि जो एंटनी है वो उसके पास वापस ज़रूर आएगा उसके बाद जो ट्रियम्वर्स होते हैं ट्रियम्वर्स यानी कि जो रोमन एम्पायर के जो थ्री रूलर थे एंटनी लेपिडस और सीजर वो जो है वो पोम्पे से मिलते हैं ताकि वो जो उनका जो भी बैटल है वो सेटल कर सके बिना कोई फाइट के तो फाइनली बिना कोई फाइट के जो भी उनका बैटल होता है जो भी मैटर होता है वो सेटल कर लेते हैं और वो उनको पोम्पे को एक एक्सचेंज के तौर पर एक सिसिली एंड सार्डिना नाम का आइलैंड देते हैं ताकि वो वहाँ पे रूल कर सके तो जो पोम्पे है वो मान जाता है इस एग्रीमेंट के लिए और उनके बीच कोई बैटल नहीं होता उस टाइम जो सब होते हैं वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो है लड़ाई रुकवा दी
उसके बाद वन ऑफ पॉम्पे सोल्जर, एक आदमी होता है पॉम्पे सोल्जर का, वो एक प्लान बताता है उसको कि क्यों ना अब हमारे पास ये आइलैंड्स आ गए हैं और हम उन पे अटैक करके हम उनका राज्य भी छीन लें। लेकिन जो पॉम्पे है वो इस जो प्लान होता है, जो स्कीम है, उसको डिसमिस कर देता है, मना कर देता है कि वो अपनी ऑनर को, अपनी इज्जत को इंसल्ट नहीं होने देगा। उसके बाद एंटनी के जो और भी जनरल लोग होते हैं, जो भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं, वो एक पार्थिया नाम के किंगडम को भी जीत लेते हैं। उसके बाद जब एंटनी एंड ऑक्टेविया, यानी सीजर की बहन ऑक्टेविया, उन दोनों की जब शादी हो जाती है, वो एथेंस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं, सीज़र जो है पोम्पे से लड़ाई करने का फ़ैसला करता है और वो उसको डिफ़ीट कर देता है, यानी बैटल में हरा देता है पोम्पे को। उसके बाद जब एंटनी के पास एक न्यूज़ आती है कि जो सीज़र है वो एंटनी के ख़िलाफ़ कुछ कुछ भी बोले जा रहा है इन पब्लिक, मतलब उसके अगेंस्ट बोल रहा है, जब भी एंटनी को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है ऑक्टेविया, वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप दोनों अपने बीच पीस बनाए रखें। उसके बाद एंटनी जो है ऑक्टेविया को रोम भेज देता है ताकि वो वहाँ पे पीस बनाए रखे, अपने भाई को समझाए, और जो एंटनी है वो इजिप्ट चला जाता है क्लियोपेट्रा के पास एलेक्जेंड्रा में। वहाँ पे वो एक आर्मी रेज करता है सीज़र के ख़िलाफ़ ताकि वो उनसे लड़ाई कर सके। जब सीज़र को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि एंटनी का ऐसा ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो सीज़र है वो अपनी आर्मी और नेवी को कमांड करता है इजिप्ट जाने के लिए, फ़ाइट करने के लिए। तो जो एंटनी है वो एक नदी की जगह चुनता है फ़ाइट करने के लिए, समुद्र के पास। वहाँ पे जो क्लियोपेट्रा को वो बोलता है कि अपने शिप को कमांड करो कि वहाँ के हमारे साथ ज्वाइन करें, हमें फ़ाइट करने में, बैटल जितवाने में। उसके बाद क्या होता है, क्लियोपेट्रा जो है बीच में ही, जब वो बैटल ऑलमोस्ट जीते रहे होते हैं, लेकिन जो क्लियोपेट्रा है वो बीच में ही छोड़ के चली जाती है। और जो एंटनी है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि जो क्लियोपेट्रा है वो बीच में छोड़ के कैसे चली गई। तो जो एंटनी है वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो अपनी जो भी आर्मी वगैरह होती है, जो भी सोल्जर्स होते हैं वहाँ पे जो लड़ रहे होते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ के चला जाता है और वो बैटल जो है हार जाते हैं, एंटनी बैटल हार जाता है। उसके बाद जो एंटनी है वो क्लियोपेट्रा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसने कि वो उसकी हार का कारण बनी है और वो उसे माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद वो क्लियोपेट्रा को प्रॉमिस करता है कि अगर इस बार भी अगर हमारी दोबारा बैटल हुई सीज़र के साथ, अगर उस टाइम भी तुमने मुझे बिट्रे करा, उस टाइम भी तुम्हारी वजह से मैं हारा, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एंटनी जो है उसको कोर्स करने लग जाता है कि उसने उसका जो ट्रस्ट है वो बिट्रे किया। उसके बाद उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है और जो एंटनी है वो क्लियोपेट्रा को माफ़ कर देता है। उसके बाद जब वो दोबारा नदी के पास लड़ते हैं सीज़र और एंटनी, तब वो विक्ट्री जो है जीत जाता है। और जो उसका फ्रेंड होता है इनार बार्बिस, वो सीज़र के साथ मिल जाता है, जबकि वो एंटनी का क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है। उसके बाद जो भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, क्लियोपेट्रा वगैरह, वो सब विक्ट्री को सेलिब्रेट करने जाते हैं। तब इनार बार्बिस को जो है खुद पे शर्म आती है कि उसने लॉयल्टी नहीं दिखाई अपने फ्रेंड की तरफ, बहुत ही गिल्ट फील करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो। उसके बाद दूसरे दिन बैटल फिर होता है, लेकिन जो एंटनी है वो हार जाता है। बीच में ही फाइट रुक जाती है और एंटनी को वो ऐसे सफ़र करना पड़ता है उस डिफ़ीट को, उस हार को। तो फिर एंटनी का जो गुस्सा है वो बहुत और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो उसकी लवर ने उससे बिट्रे किया, उसने उसको धोखा दिया, और एंटनी कसम खाता है कि वो क्लियोपेट्रा को मार देगा। उसके बाद जब क्लियोपेट्रा को बात पता चलती है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मॉन्यूमेंट में चली जाती है, वहाँ पे जाके छुप जाती है। उसके बाद क्लियोपेट्रा अपने जो सर्वर होता है, जो आदमी होता है, उसको उसके पास एक कमांड ये कह के भेजती है कि एंटनी को जाके बोलो कि जो क्लियोपेट्रा है उसने सुसाइड कर लिया है।
जब एंटनी को पता चलती है कि उसने सुसाइड कर लिया है, तो फिर एंटनी जो है एक्सट्रीम पेन में होता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पछतावा होता है, और वो ये कहता है कि मैं अब क्लियोपेट्रा को जिंदगी के बाद भी उसका साथ दूंगा, और वो खुद ही सुसाइड करने का फैसला करता है। तो वो क्या करता है, अपने किसी कमांडर को, इसी अटेंडेंट को, जो भी उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बुलाता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरी एक जो चीज़ है फुलफ़िल करनी है बिना कुछ क्वेश्चन करे। वो कहता है कि तुम मुझे मार दो। जो जब अटेंडेंट को ये बात पता चलती है, तो वो एंटनी को मारने की बजाय वो खुद को ही मार देता है। उसके बाद क्या होता है, गलती से जो एंटनी है वो अपनी ही तलवार के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो इमिजिएटली मरता नहीं है। तो फिर जो उसको जो है क्लियोपेट्रा के जहाँ पे मॉन्यूमेंट में वो जहाँ छुपी होती है, वहाँ पे उसको ले जाया जाता है, जहाँ पे जो दोनों लवर्स होते हैं वो दोबारा रीयूनाइट हो जाते हैं। और जब क्लियोपेट्रा ये चीज़ देखती है, तो बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाती है, रोने लगती है और खुदकुशी करने का फैसला करती है। उसके बाद सीज़र जो है वो क्लियोपेट्रा को बोलता है कि तुम मेरे साथ रोम में चलो, मैं तुम्हारे बच्चे को, यानी तुम्हारे और एंटनी के बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उनको बहुत ही इज्जत से रखूंगा। लेकिन क्लियोपेट्रा को जो है उस पर शक होता है, और वो नहीं चाहती कि वो एज अ प्राइज रोम में वो क्लियोपेट्रा को डिस्प्ले करे सबके सामने। तो फिर क्लियोपेट्रा जो है वो अपने जो भी सर्विसर्स होते हैं उनको बुलाती है, और उनको कहती है कि वो फिर से वो रॉयल ड्रेस पहनना चाहती है एज अ क्वीन। तो फिर वो फिर से रॉयल ड्रेस पहनती है, और वो ये फैसला करते हैं कि अब वो सुसाइड करेगी। तो फिर क्या करती है, वो खुद को ही मार देती है, स्नेक्स जो है, स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स से खुद को डसवा देती है, और वो मर जाती है। और जब कि ये सीज़र के बाद पता चलता है, तो क्लियोपेट्रा को वो एंटनी के साथ ही पब्लिक फंडल में रख देता है। मतलब जो दोनों की बॉडी होती है वो एक साथ ही ब्यूरिट कर देता है, एंटनी और क्लियोपेट्रा की। तो इसी के साथ ये जो स्टोरी है, ये जो लव स्टोरी है, ट्रेजिक लव स्टोरी है, वी कैन से, ऑफ विलियम शेक्सपियर, ऐसे एंड होती है। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको समझ आया तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स पे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने अपने और भी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर रखा है, उसके लिंक भेज रखी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं।